नहीं 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 मेरे को नहीं बताना कुछ। नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरे फोन, नहीं सुनी तेरी बात अब। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अंजू अब वापस आ गई है पाकिस्तान से भारत। पाकिस्तान से जब भारत आई तो इसे उम्मीद में आई कि क्या उसके घर वाले उसे अपना लेंगे, क्योंकि 4 महीने पहले जब अंजू पाकिस्तान गई थी तो अपने घर परिवार बच्चों पति सबको छोड़कर गई थी। लेकिन अब उसे अपने बच्चों की याद आ गई है, वो अपने पति से तलाक लेने आई है और बच्चों को साथ ले जाने की बात कह रही है और कह रही है कि अपने पति के बारे में बड़ा खुलासा करेगी अंजू। कि भारत लौटी तो अंजू ने फोन लगा दिया अपने पति को और पति ने कहा कुछ ऐसी बातें जो आपको सुनकर आप चौंक जाएंगे, और पति ने कह दिया कि अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। दोनों ने फोन पर बातचीत की है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल, और साथ में अंजू का पाकिस्तानी आतंकियों से भी बड़ा कनेक्शन आ रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या अंजू पाकिस्तान में एक एजेंट की तरह काम कर रही थी। और वहां पर लगातार जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं और जिस इलाके में अंजू रह रही थी खैबर पख्तूनख्वा, वहीं पर अभी हाल ही में एक आतंकवादी की संदिग्ध मौत हुई है और लगातार वहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं जिस इलाके में अंजू और नसरुल्लाह साथ में रहते थे। इस कनेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अंजू घर आई तो उसके अपने ही लोग उसे ना मानने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वो हमारे लिए अब मर चुकी है। अंजू के पति अरविंद का कहना है जब उन्होंने अंजू का नाम सुना कि वो भारत आ गई है, वाघा बॉर्डर पर जब वो पहुंची तो जब उसके पति को खबर मिली कि अंजू आ गई है तो वो बौखला गए और गुस्से में बोले कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो आए चाहे ना आए। वहीं जब अंजू के पिता के बारे में पूछा गया कि अंजू आ गई है तो आप क्या उसे अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो उस दिन ही हमारे लिए मर गई थी जिस दिन वो पाकिस्तान अपने बच्चों को छोड़कर अपने पति को छोड़कर गई थी। तो इस तरह से ना अंजू अपने पति के घर जा सकती है ना अपने मायके जा सकती है, फिलहाल वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है। अंजू जब पाकिस्तान से भारत आई तो वाघा बॉर्डर पर आई, फिर वहां पर आईबी और पंजाब की पुलिस ने पहले उसे पूछताछ की, अब फिलहाल वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है। वो ना अपने पति के घर जा सकती है ना अपने पिता के घर जा सकती है। और साथ में एक और कनेक्शन शामिल हो रहा है कि अंजू का पाकिस्तानी टेररिस्ट से नाता है। वो वहां पर जानकारी दे रही थी उस शख्स को जो धीरे धीरे एक एक करके इन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है, और अंजू से उसका कनेक्शन है क्योंकि अंजू उसी इलाके में रह रही थी। और अचानक से 4 महीने में जब से अंजू गई है तब से लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौत की खबरें सामने आ रही है। और आपको ये बता दें कि जब नसरुल्लाह के साथ अंजू गई थी तब कितनी खुशनुमा थी, आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं, कभी डिनर कर रही है तो कभी घूम रही है। लेकिन जब अब अंजू वापस आई है तो उसके चेहरे की वो बनावट देखिए, आप चेहरे से ही आप भाप सकते हैं, सब बयां कर रहा है दर्द कि अब अंजू के साथ पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है उसके चेहरे देखकर, हाव भाव को देखकर। अब उसे याद आ गई अपने बच्चों की। 4 महीने बाद क्या एक माँ अपने बच्चे से दूर रह सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई माँ अपने आशिक के लिए पाकिस्तान चली जाए और अपने 2 बच्चों को छोड़कर, और अब 4 महीने बाद उसे अपने बच्चे की याद आ रही है और उसे अपने पति के बारे में बड़ा खुलासा करना है। टूरिस्ट वीजा पर गई थी अंजू पाकिस्तान और वहां पर उसे नसरुल्लाह से फेसबुक से ये प्यार का परवान चढ़ा था, जिसके बाद इतना चढ़ गया प्यार का परवान कि वो पाकिस्तान ही पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंची, नसरुल्लाह के साथ उसने शादी भी की और अब खुशी खुशी, शुरुआत में तो रहने की बातें आई, फोटोज आए, लेकिन अब जो सामने बातें आ रही हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। और पति और पिता दोनों नाराज हैं, बेहद नाराज हैं।
और कनेक्शन भी बताया जा रहा है। लगातार आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में करीब इस साल 20 आतंकवादी से ऊपर मारे गए हैं जो कि भारत के मोस्ट वांटेड थे, और पाकिस्तान भी खुलकर तो नहीं कह पा रहा लेकिन कह रहा है कि भारत ही ऐसा सब कुछ करवा रहा है, धीरे धीरे एक एक करके सभी मोस्ट वांटेड को खत्म करवा रहा है। और इस तरह से आप देखते हैं कि कनाडा में भी यही आरोप भारत पर लग रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में अंजू ये सब कर रही थी? अंजू एक तरह से मदद कर रही थी उस शख्स का, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 आतंकवादी मारे गए। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उससे अंजू का कोई बड़ा कनेक्शन है? क्योंकि जब सीमा हैदर भी भारत आई थी तो उन पर भी बड़े सवाल उठे थे कि क्या ये पाकिस्तानी एजेंट है, क्योंकि इस तरह से एक शादीशुदा पत्नी जो अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई भारत रहने, वो भी पबजी गेम खेलते खेलते उसे प्यार हो गया, ये बात किसी को पच नहीं रही थी। और अब अंजू भी कुछ ही महीने में वापस पाकिस्तान चली जाती है तो ये भी बात किसी को पची नहीं। तो आप सुनिए कि आखिर अंजू ने क्या कुछ कहा है फोन लगाकर अपने पति अरविंद से। हेलो, हाँ अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात, अब नहीं सुननी नहीं सुनना। हाँ तो वो तो ठीक है, तूने क्या किया मेरे से, तूने चलो ठीक है, वो तो तू जो ओ हेलो तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा तेरे को? तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बस तू घूम, तो तू घूम ना, सगाई कर, तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है, तू झूठ बोल रहा से। हाँ तो बस रहने दे, अरे रहने दे, आप तू कौन है, मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है, मत कर फोन, मर जा, मेरे लिए मर गई है तू, मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है, जा मर जा तू, वैसे तू भी नाचेगी, सुन कुछ दिनों में तू भी, अरे कुछ दिन में नाचेगी, रुक जा कुछ, ना 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 तू रहने दे तेरी छानबीन सब हो जाएगी, रुक जा मेरे पास, रुक जा तू लाइव आके झूठ मूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया है, मेरा साथी है, नहीं सुननी ना, तो बस रहने, तू रहने दे, बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा, सुन बच्चे क्यों नहीं आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ, तू वहाँ बच्चे, तू कोई बात नहीं है, बच्चे सुनो, बच्चों को तू पैदा कर सकती है वहाँ पे पैदा कर सकती है, जब नया बच्चा लेना यहाँ। तो इस तरह से आपने सुना अरविंद और अंजू ने क्या बातचीत की, वहीं पिता ने कहा कि अब तुमसे मेरा कोई नाता नहीं, तुम अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर गई, तब से तुम मेरे लिए मर गई। तो इस तरह से अंजू ना घर की हो पाई ना घाट की, हालांकि देखिए अब पाकिस्तान वो जाती है अपने बच्चों को ले जा पाती है या नहीं। और जो कनेक्शन बताया जा रहा है पाकिस्तानी आतंकियों पर से कि वो पाकिस्तानी आतंकियों को मरवा रही है या मार रही है, जो भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, इन कयासों में कितनी ताकत है, क्या ये सही है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।